नमस्कार दोस्तों, ग्रास्पिंग पाइथन पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से केंद्रीय विद्यालय संगठन में इस सेशन में एडमिशन प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुआ है और हमारे कई सारे यूज़र्स थे जिनकी डिमांड थी कि एडमिशन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो तो उनके साथ शेयर करें। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा उन पेरेंट्स को जो अपने बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय संगठन में कराना चाहते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन में एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुका है तो आप अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर अवेलेबल है, तो हम लोग वहाँ चलते हैं। आप कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करिए और वहाँ पे आप लिख दीजिए kvsangathan.nic.in। ये वेबसाइट है केंद्रीय विद्यालय संगठन की, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये जो URL आपको एड्रेस बार में दिखाई दे रहा है kvsangathan.nic.in। आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन, वहाँ से भी आप केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर जा सकते हैं। अगर हम केंद्रीय विद्यालय संगठन में इसकी बात करें तो स्कूल एजुकेशन के अंदर केंद्रीय विद्यालय संगठन हिंदुस्तान के अंदर एक ब्रांड बन चुका है। हर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर करवाना चाहता है। हिंदुस्तान के अंदर लार्जेस्ट एजुकेशन सोसाइटी है जिसके अंदर नंबर ऑफ केंद्रीय विद्यालय की बात करें तो इसके हर कोने में आपको केंद्रीय विद्यालय मिलेंगे। अगर यहाँ पे आप वेबसाइट पे देख रहे हैं तो 1235 केंद्रीय विद्यालय देश के हर कोने में आपको मिलेंगे और स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो 13,15,216 स्टूडेंट अभी केंद्रीय विद्यालय संगठन से एजुकेशन ले रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन स्कूल एजुकेशन के अंदर अपने आप में बहुत बड़ी एक ब्रांड है। हर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय संगठन में कराने की कोशिश करता है, जिनमें से कईयों का एडमिशन होता है और कई ऐसे पेरेंट्स हैं जिनका एडमिशन नहीं हो पाता है। और अगर रिजल्ट्स की बात करें तो अभी 10th क्लास का रिजल्ट, जो बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट आया है, जितनी भी एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन टॉप पे रहा है। 12th क्लास में भी केंद्रीय विद्यालय संगठन ने बहुत अच्छा अपना रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। तो कहने का मतलब ये है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांड बन चुका है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अनाउंसमेंट सेक्शन में आप जाएंगे एडमिशन के लिए, तो यहाँ पे आप जब अनाउंसमेंट सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए केवी एडमिशन नोटिस जो 15 तारीख को इन्होंने डाला है। और अगर नेक्स्ट हम बात करें तो KVS एडमिशन शेड्यूल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी इन्होंने डाला है। और केंद्रीय विद्यालय संगठन में एडमिशन गाइडलाइंस, ये तीन नोटिस इन्होंने 15th ऑफ जुलाई को अपनी वेबसाइट पे डाला है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। या फिर आप वेबसाइट पे आप इधर जाएंगे एकेडमिक सेक्शन के अंदर और यहाँ एडमिशन गाइडलाइंस पे आप जाएंगे तो यहाँ पे तीनों नोटिस आपको मिल जाएंगे, KVS एडमिशन नोटिस, KVS एडमिशन शेड्यूल और KVS एडमिशन गाइडलाइंस। तो सबसे पहले हम नोटिस की बात करते हैं कि नोटिस के अंदर उन्होंने क्या डाला है। देखिए ये वेबसाइट पे नोटिस ओपन हो चुका है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडमिशन नोटिस 2021 की, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 1 इन केंद्रीय विद्यालय फॉर द अकेडमिक सेशन विल कमेंस एट 10 AM ऑन 20th of July 2020। मीन्स 20 जुलाई से एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं और लास्ट डेट जो है इसकी 7th of August 2020 को इवनिंग में 7 बजे तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की कोई फी नहीं है। रजिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने अपना यहाँ पे URL दे रखा है kvsonlineadmission.kvs.gov.in। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी ये लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जा सकते हैं या फिर आप संगठन की वेबसाइट से भी आप जा सकते हैं या फिर आप एक एंड्रॉयड ऐप है वहाँ से भी आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड्रॉयड ऐप के लिए यहाँ पे लिंक दे रखा है, वहाँ से आप एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर और इंस्टॉल करके आप क्या कर सकते हैं अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये ध्यान रहिए केवल क्लास 1 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, क्लास 1 के लिए ही ऑनलाइन एडमिशन भरे जाएंगे। इसके अलावा जितनी भी क्लासेज है, रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 2nd एंड अबव विल बी डन फ्रॉम 20th of July 2020 8 AM टू 25th of July अप टू 4 PM अगर वैकेंसीज होगी तो, ये भी ध्यान में रखना। और ये ऑफलाइन मोड में होगा। अगर केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर कुछ पेरेंट्स जो क्लास 2 से लेके आगे एडमिशन करवाना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, अगर स्कूल के अंदर वेबसाइट होगी, वो स्कूल वैकेंसी होगी तो उस स्कूल में आप कॉन्टैक्ट करेंगे और वहाँ पर आप क्या करेंगे अपना फॉर्म ऑफलाइन जमा कराएंगे। क्लास 1 के लिए 12th के लिए भी इन्होंने नोटिस डाला, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मे बी डाउनलोडेड फ्रॉम द विद्यालय वेबसाइट एज पर द शेड्यूल ऑफ एडमिशन 2020 अवेलेबल ऑन KVSHQ वेबसाइट।
और इन्होंने कोविड-19 से बचने के लिए और कोविड-19 से रिलेटेड जो भी कोविड-19 का भी इन्होंने एक कुछ लिखा है, उसको आप देख लीजिए। अंडर प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ कोविड-19 द डायरेक्शन इश्यूज बाई गवर्नमेंट कंपिटेंट अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडी आर टू बी फॉलोड अकॉर्डिंगली। द पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड नॉट टू विजिट केंद्रीय विद्यालय फिजिकली टू अवॉइड गैदरिंग। ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एडमिशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल बी अवेलेबल ऑन विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय संगठन वेबसाइट फॉर डाउनलोड। काइंडली फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, स्कैन इट एंड सेंड इट टू द कंसर्न केवी थ्रू ईमेल ओनली। और आप अपने प्रिंसिपल या फिर जो एडमिशन इंचार्ज है उनसे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये है क्लास सेकेंड से लेके क्लास 12 तक के बच्चों के लिए। क्लास वन के लिए एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा, जो एडमिशन प्रोसेस है वो आपका ऑनलाइन होगा, रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन आपका 20 जुलाई 2020 से शुरू होगा, 10 बजे से ऑनलाइन आप भर सकते हैं और 7 अगस्त तक शाम को 7 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर आप मोबाइल ऐप डाउनलोड करके भी आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये था एडमिशन नोटिस। अब अगर हम शेड्यूल की बात करें तो KVS एडमिशन शेड्यूल, ये सेकंड नोटिस है, इस पे आप क्लिक करिए तो यहाँ पे एक शेड्यूल आपका ओपन हो जाएगा जिसके अंदर इन्होंने बता रखा है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब शुरू होगा, लास्ट डेट क्या है, कब एडमिशन से रिलेटेड आपकी लिस्ट आउट होगी। तो यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट फॉर एडमिशन आप 17 जुलाई को शुरू कर देंगे, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास वन 20 जुलाई को मंडे से शुरू हो जाएगा 10 बजे से, लास्ट डेट आपको 7 अगस्त तक आपको करना है इवनिंग। तो आपको टोटल 19 डेज मिलेंगे जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसका वीडियो भी हम आप लोगों के लिए बना देंगे, आप हमारे चैनल ग्रास्मिंग पाइथन को सब्सक्राइब कर सकते हैं एडमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। देन इसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल सेलेक्टेड एंड वेट लिस्ट ऑफ द रजिस्टर्ड कैंडिडेट, ये अलग अलग डेट दे रखी है इन्होंने, उस डेट को एडमिशन की जो लिस्ट आउट होगी वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ये सारी की सारी लिस्ट स्कूल की वेबसाइट पर भी अवेलेबल होगी और नोटिस बोर्ड पर भी अवेलेबल होगा। देन इसके बाद हमारे 11th क्लास के बच्चों के लिए इन्होंने कह रखा है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका शुरू हो जाएगा विद इन द वीक ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ 10th क्लास रिजल्ट, एंड जो अदर देन KV स्टूडेंट्स है उनका जो हो जाएगा KV का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद 10th क्लास का, उसके बाद अदर KV स्टूडेंट्स का भी एडमिशन अगर वैकेंसीज खाली होगी तो वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। यह आपको स्कूल की वेबसाइट पे मिलेगा। एक बार फिर क्लास वन के अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 20 तारीख से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा और आपकी लास्ट डेट जो है वो 7 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आप हमारे चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी देख सकते हैं, वहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था एडमिशन से रिलेटेड नोटिस और एडमिशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हमने बात की थी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस के लिए, रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे क्लास वन के लिए, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको दिखाया जाएगा यहाँ पे, और केंद्रीय विद्यालय संगठन में एडमिशन से रिलेटेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल ग्रास्पिंग पाइथन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब पर जाकर आप हमारे चैनल को सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर आपको एडमिशन से रिलेटेड सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो बने रहिए हमारे चैनल ग्रास्पिंग पाइथन के साथ। जय हिंद, जय भारत।